पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। 2024 की जो रणनीति बनाई गई है एआईसीसी में, सर क्या कहना चाहेंगे जो रणनीति बनाई गई है? सब मिलजुल करके लड़ेंगे और हमने एक संघर्ष का एक्शन प्लान बनाया है और उस एक्शन प्लान में कुछ सुझाव, कुछ आदेश केंद्रीय नेतृत्व ने दिए। अब हम उसको फाइनल करके जो है हम एक बड़ी पदयात्रा, राज्यव्यापी पदयात्रा प्रारंभ करेंगे, विशाल पदयात्रा प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम बेरोजगारी के सवाल को और अग्निवीर के सवाल को उठाएंगे, क्योंकि अग्निवीर योजना उत्तराखंड के स्वाभिमान पर, हमारी सैन्य परंपरा पर चोट। सर देखा जाए कि राहुल गांधी भी इस पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, हमारी लीडरशिप शामिल हो गया और राहुल जी हर संघर्षशील व्यक्ति के साथ खड़े हैं, तो उत्तराखंड में भी हम संघर्ष करेंगे, वो हमारे साथ खड़े। सर छोटा और लास्ट सवाल, यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में लागू करेंगे, उसको लेकर क्या? वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो गए। पहले उन्होंने जो है सवालों से बचने के लिए यूसीसी कहा, अब उनके बड़े बाबा ने, दिल्ली वालों ने भी जब उनसे सवाल पूछे जाने लगे वो भी यूसीसी कहने लगे। जब यहाँ केंद्र में यूसीसी होगा तो फिर उत्तराखंड के सीसी का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, कॉमन कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो तो संवैधानिक रूप से इन्फेक्चुअस हो गया, तो वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है पुष्कर धामी। ये थे हरीश रावत, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि 2024 को चुनाव को, लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी रणनीति बनाई गई है। अब जो संगठन और एआईसीसी के लोग कहेंगे वही होगा। शिवम पांडे, TNP न्यूज़, दिल्ली।